नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज संजय जी आए हैं मेरठ से। इनके 10 बच्चे बुक थे दोस्तों, और पूरी फुल पेमेंट इन्होंने मुझे तकरीबन 2.5-3 महीने पहले कर दी थी। ठीक है संजय जी, तो आज इनको बच्चे देने दोस्तों। एक तो ये वीडियो इस विषय में रहने वाली है, जैसे मैं हर वीडियो में कोई ना कोई फॉर्मूला बताता हूँ दोस्तों। काफ़ी दोस्तों के जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें कमेंट आए थे, बप्पू जी हमारे जो कबूतर हैं उनके जो बाजू है, उनकी जो बाजू है वो लटक रही है। जैसे बच्चे थोड़े बड़े हैं, फौजी साहब को हिलाने में दिक्कत करेंगे फौजी साहब ने बड़े बड़े लिए हैं, तो जैसे बाजू है दोस्तों, कई बार क्या होता है बाजू ऐसे लटक जाती है जी ना, बाजू ऐसे लटक जाती है नीचे को। ठीक है जी, एक साइड वाली हो जाता सर, हो जाता ना। उसका क्या इलाज है दोस्तों, अगर दोनों भी लटक जाएंगी तो भी वही इलाज है, लेकिन ज़्यादातर देखने में आया एक लटकती है, तो अगर दोनों लटक जाएंगी तो भी वही इलाज है, अगर एक लटक जाएगी तो भी वही इलाज है। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक और शेयर वीडियो देखने के बाद कर दें, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8872117070, जिन दोस्तों की बुकिंग मेरे पास थी दोस्तों, उन्होंने मैंने पिछली वीडियो में नाम बोल दिए थे, उसके बाद और भी काफ़ी दोस्तों ने बुकिंग करवाई है, उसके जो उनके नाम है वो नेक्स्ट वीडियो में बोल देंगे। ठीक है जी, तो पहले बच्चे दिखाते हैं दोस्तों आपको। धन्ने वाली नस्ल का पाँव मौज का बच्चा दोस्तों ये, पाँव पर बाल है इसके। ओके, और जो इसका रिंग नंबर है दोस्तों, B7020 B7020। एक बात दोस्तों मैं आपसे कहनी चाहूंगा, काफी दोस्तों के मुझे फोन आए, बप्पू जी कोई आदमी आपसे बच्चे लेकर गया था, हमने उसके यहां से बच्चा लिया, रिंग नंबर उसने वही दे दी लेकिन बच्चा बदल दिया। ये करते हैं सर लोग, करते हैं ना। तो दोस्तों आप किसी जो मुझसे लेकर जाता आप उससे कबूतर अगर आगे ले लेते हो तो वो आपको किसी कोई ना कोई फ्रॉड करता है, अपने पास मेरे उन नाम की रिंग छपवा कर रख लेता है। ठीक है भाई साहब, अब क्या है ये 5 रुपए की रिंग है, 70-20 नंबर ये फौजी साहब को बच्चा दे रहे हैं, ये बच्चा भी छोटा है, अगर इसको जबरदस्ती हम रिंग उतारेंगे तो उतर भी जाएगी। ठीक है जी, उतर जाएगी और इसका पाँव ही छीला जाएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो पाँव तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि चलो फौजी साहब की एग्जांपल देता हूँ, वैसे इनकी बात नहीं कर रहा, अगर इसका फौजी साहब पाँव छीला गया तो आपने कौन सा ये बच्चा आगे किसी को देना है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, रिंग आपके पास आ गई। इतना ही बड़ा बच्चा कोई है, इससे थोड़ा छोटा, अपने लॉट में क्या करते हैं उसके बच्चे की रिंग डाल देते हैं और बोल देते हैं ये बब्बू जी से लाए थे, ये ले लो आप 4000 का ले लो। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है जब वो बच्चा उड़ता नहीं तो बाद में मुझे कॉल करता कोई दोस्त भी, भाई जी हमने वो आदमी फलाना आदमी आपसे लेकर गया था, हमने उससे ले लिया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है जी, देखो दोस्तों जो कोई नस्ल की बात है, आज फौजी साहब बच्चे लेकर जा रहे हैं, फौजी साहब ही मुझसे बात कर सकते हैं, सही बात, बब्बू जी ये बच्चा कौन सी नस्ल का है, कौन से कबूतर का, कैसे कौन सी नस्ल है, ऊपर उड़ेगा नीचे उड़ेगा, इनके हम बच्चे निकलवाना चाहते हैं तो किस कबूतरी से मिलाएं, इसके बारे में फौजी साहब ही बात कर सकते हैं। लेकिन अगर फौजी साहब इसको या इसके किसी डुप्लीकेट को आगे सेल कर देते हैं तो वो फौजी साहब से बात करें, मुझसे बात ना करें। ठीक है भाई साहब, सही बात है सर, सही है गलत है। तो ये पाँव मौज का बच्चा दोस्तों, लाल चीना रत्ता, अब देखो भाई साहब हम ईमानदारी से काम करते हैं ना, सही बात है, तो अगर कोई किसी तरह हेरा फेरी करता है फिर हम हमें ठेका थोड़ा ले रखा ना, ये तो बचने वाला बचे उनसे। ठीक है जी,
तो ये बच्चा है 70-20, 70-20 और 21 दोनों दोस्तों, दोनों भाई है, 70-20 और 21। मेरे पास पीला कबूतर है दोस्तों, जो मेरे पीले कबूतर है उनकी पट्टी है B5349। पीला कबूतर है, उसके कुंदे थोड़े थोड़े सफेद है, और ये उसका बच्चा है, उसकी पट्टी का ये बच्चा है दोस्तों, ठीक है। और जो इसका भाई है 70-21 और 20 दोनों भाई है, 70-20 और 21 दोनों भाई है, ठीक है जी। एक 20 और 21 दोनों फौजी साहब के पास है, एक ये आपको दिखा दिया, दूसरा आएगा। इसका रिंग नंबर 6985। लाल गर्दन सफेद आग का बच्चा दोस्तों, धन्ने वाली नस्ल का बच्चा ये भी, ठीक है जी। 6985। मेरी कबूतरी रंजीत का उड़ी थी, उसका बच्चा B176 नंबर 176, ये उसका बच्चा ही, ठीक है जी। एक ये बच्चा दोस्तों, हो सर कितना कितने महीने बाद आए हो मेरे पास? मैं सर 5 महीने आया। 5 महीने बाद तो फौजी साहब मेरे पास 5 महीने बाद आए हैं दोस्तों, इनकी ड्यूटी है बाहर कहीं, तो अब थोड़े दिन पहले इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने कहा इस तारीख को मिल जाएंगे, मैं छुट्टी आ रहा हूँ, तो मैंने कहा आ जाओ, मोस्ट वेलकम। तो वाइट आइज का बच्चा दोस्तों ये, अब ये 2000 का बच्चा लेकर जा रहे हैं दोस्तों, 5 महीने पहले इन्होंने मुझे पूरी पेमेंट डाली, 20000 का 20000 पूरा डाला इन्होंने दोस्तों। अगर कोई सपने में भी सोच ले भाई फौजी साहब 4000 का या 5000 का बच्चा किसी को रियलिटी में ये दे देंगे, मुझे नहीं लगता। नहीं सर, इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आदमी बच्चे लेकर जाता है, ठीक है जी। तो ये आपको खुद समझना चाहिए, अगर आपको कोई मुझसे लेकर जाकर आगे बच्चा देता है, ये बंबू जी से लाए थे ये ले लो, तो उसमें कोई ना कोई फ्रॉड है, पक्का सर, पक्का फ्रॉड है दोस्तों। क्योंकि बच्चे यहाँ मेरे पास से लेकर जाने में समय बहुत लग जाता है, रास्ते में आना जाना कितना मुश्किलें आती हैं आपको पता ही है, रात भर जागना पड़ता है, पूरी रात निकाली, फौजी साहब ने स्टेशन पर रात काटी है। अगर कोई कहे 4000 ले लो, कैसे दे देंगे फौजी साहब, ठीक है जी। 6966 B6966, ये आपको खुद समझना चाहिए, सही है फौजी साहब। पूछ में लाल पंख, वाइट आईज, लाल छाती, कितना नंबर था? 6966। धन्ने वाली नस्ल का बच्चा दोस्तों, 3075 नंबर मेरे पास कबूतर है, उसका बच्चा है, ठीक है जी। सेवन जीरो वन एट, जो मेरी कबूतरी रंजीत का उड़ी थी दोस्तों, उसकी पट्टी का पट्टा ही है, 7018।
लाल गर्दन, ठीक है जी। ये बच्चा दोस्तों कौन से मसाला वाला है? धन्ने वाला, धन्ने वाला जो रंजीतगढ़ कबूतरी उड़ी थी वो धन्ने वाली थी। लाल चीनी है सफ़ेद आग की, B167 नंबर, B167। ये भी वाइट आइज का बच्चा दोस्तों, डब्बी नोक है इसकी, पीछे से सफ़ेद आगे से काली, थोड़े थोड़े कुंदे और पूछ थोड़ी सी मिस्सी है इसकी लाल सी, ठीक है जी। और ये इसका रिंग नंबर है दोस्तों B6968, 6968 रिंग नंबर है इसका। और ये बच्चे का शौक कर लो आप, ना कबूतरी मैंने दोस्तों झोटी वाले उड़ाई थी, उसकी बहन है B1050 नंबर मेरे पास, ये उसका बच्चा है, ठीक है। झोटी वाले कबूतरी जो उड़ाई थी उसकी बहन है B1050 नंबर, ये उसका बच्चा है, ठीक है जी। धन्ने वाली नस्ल का ये। देखो दोस्तों कबूतर धन्ने वाले पंजाब में, पूरे पंजाब में आपको कबूतर धन्ने वाले, पुन्नू वाले तो नहीं मिलेंगे, चलो पुन्नू वाले बहुत कम लोगों के पास है, टहलने वाले भी बहुत कम लोगों के पास है, धन्ने वाले तो पूरे पंजाब में मिल जाएंगे, हर आदमी कहेगा मेरे पास धन्ने वाले। बात यह है नस्ल बहुत पुरानी है, जो धन्ना जी थे उनकी डेथ हो चुकी है, ये नस्लें किसने संभाल कर रखी हैं प्योरिटी में और उनका रिजल्ट क्या आ रहा है? पहली बात तो नस्ल कोई भी हो, धन्ने वाली हो, पुन्नू वाली हो, टहले वाली हो, ठीक है जी। ये तो बातें बात की हैं, जो आप बच्चा लेकर जाते हो उसका रिजल्ट शाम तक का होना चाहिए, सही है भाई साहब गलत है? सबसे पहली बात ये है, बाकी बातें उसके बाद की है, ये नस्ल कौन सी है, ठीक है जी। नस्ल भी प्योरिटी में होनी चाहिए, कबूतर भी शाम तक उड़ना चाहिए, फिर सब कुछ ठीक है। अगर कबूतर शाम तक उड़ रहा आपको उसकी नस्ल का नहीं पता तो भी आपके पास वो ज़्यादा लंबा समय नहीं जाएगा, ठीक है जी। अगर आपको नस्ल का भी पता है, कबूतर भी शाम तक उड़ रहा है, नस्ल प्योरिटी में है, तो फिर आप समझ सकते हो यानी कि वाकई कोई आपके पास चीज़ है, ठीक है जी। वाइट आइज का बुरी नोक, सही है फुल सर गलत है बाप? हाँ, सही है। ये बच्चा बिल्कुल वाइट, ठीक है जी। 7021 ये वही दोस्तों बच्चा है जो पहले पीले कबूतर की पट्टी 5349 जो मैंने आपको बोली थी, जिसका लाल बच्चा पहुंच गया, ये उसका भाई है भाई साहब, ठीक है जी। बताना जरूर क्या सारा रिजल्ट, ठीक है जी। ये वाइट बच्चा दोस्तों, B6969, ठीक है जी। B6968 और 6969 जो कबूतरी झोटी वाले उड़ी थी उसकी बहन है B1050, ये दोनों उसके बच्चे हैं, एक पहले चला गया एक ये आ गया, ठीक है जी।
ये वाइट आइज का बच्चा दोस्तों, अभी वाइट है, आगे जाकर चेंज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, एक बार तो वाइट है। ठीक है जी। और 6972 ये बच्चा दोस्तों, 6972 कबूतरी है दोस्तों मेरे पास, हजार वाली नस्ल की वाइट आइज की वाइट कबूतरी है, ये उसका बच्चा है, बेहतरीन रिजल्ट है जिसको दिए शाम तक जुड़े खुश साहब। एक इसका भाई और है 6973, एक इसका भाई ये है दोस्तों, और ये एक बच्चा है दोस्तों टैले वाली नस्ल का, ये टहले वाली नस्ल का बच्चा दोस्तों, बिल्कुल वाइट, सिक्स नाइन सिक्स फाइव, तो ये थे बच्चे दोस्तों जो फौजी साहब को दिए हैं। बच्चे कैसे लगे दोस्तों कमेंट में तो थोड़ा बता दें आप, और जो फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से नोट कर लें दोस्तों। ये एक गोली आपने ये लेनी है, कैमरे में दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, एक गोली आपने ये ले लेनी दोस्तों और दूसरी ले लेनी है निकोवेट प्लस, अगर आपको सेम ये कंपनी की गोली ना मिले ना दोस्तों तो फॉर्मूला ये ले लेना आपने, ठीक है जी। पीछे फॉर्मूला नोट कर लो कितने एमजी क्या है इसमें, वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हो, अल्फा लॉपिक एसिड इसमें कितना 100 mg है, मिथाइल कोबालामाइन 1500 mcg है, जो भी है आप देख लेना पूरा वीडियो को रोक कर। अगर ये सेम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये अच्छी कंपनी की है, अगर नहीं मिले तो ये इसका फार्मूला दोस्तों बाद वाला इसका, ठीक है जी। अब तो अब करना क्या दोस्तों आपने, तो ये इतना गुड़ लेना है एक कबूतर के लिए, ये आप देख सकते हो इतना, ठीक है भाई साहब, ये इतना गुड़ ले लेना दोस्तों आपने, और ये देखो अगर अच्छे से हो सकता है दिख जाए आपको, ठीक है जी। इतना गुड़ 600 में ले लेना, छह टुकड़े इतना 6 बार ले लेना,
इतना इतना 6 बार ले लेना है। ये एक कबूतर का गुड़ है, एक खुराक का गुड़ है, इतना एक खुराक, यानी कि 6 खुराक बनानी है आपने, दोनों में से एक एक गोली ले लेनी है, उसको पीस लेना है और इतने इतने आपने 6 गुड़ के गोली ले लेनी है, इतनी इतनी बड़ी, ठीक है जी। जो गोली पीसोगे आप उसमें मिक्स कर देना गुड़ को अच्छे से, और इतनी इतनी 6 गोलियां बना लेनी है। एक कबूतर को डेली एक गोली देनी है और 6 दिन लगातार देनी है आपने, क्या समझे? सुबह शाम एक टाइम। हाँ समझ आ गई। तो फौजी साहब से मैंने पूछ लिया, इनको समझ आ गई, इसका मतलब सभी को समझ आ गई होगी। दोबारा फिर बता देता हूँ, दोनों डिब्बी में से एक एक गोली ले लेनी है आपने, और उसमें 6 गोलियाँ गुड़ की, इतनी इतनी बड़ी जितनी मैं दिखाई आपको, 6 डाल लेनी है और गोली को पीस कर गुड़ में मिक्स कर लेना है। जो मिक्सचर बनेगा उसके 6 टुकड़े फिर कर लेने हैं आपने, इतनी गोली को एक कबूतर को एक गोली दे देनी है, डेली एक देनी है। अगर एक कबूतर है तो एक एक गोली बहुत आपके लिए, 6 दिन एक ही चल जाएगा यही। अगर ज़्यादा कबूतर है तो ये 6 कबूतरों का फॉर्मूला बताया आपको एक दिन के लिए, अगर एक कबूतर है तो उसके लिए 6 दिन का फॉर्मूला ये, ठीक है जी। डोज इतनी देनी डेली आपको। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अगर अच्छी लगी तो आपको। तो अगर कोई आपको और दिक्कत है, और कबूतर आपको कैसे लगे, फॉर्मूला आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर जरूर बता दें, ताकि थोड़ा मुझे भी समझ आए आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है जी। वीडियो को देखने के लिए नमस्कार दोस्तों, ओके।